नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और भारत का इस प्रतियोगिता में इतिहास में यह तीसरा मेडल था। आपको बता दें कि फाइनल में पहला राउंड फाउल होने के बाद नीरज ने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन रिप्रेजेंटिंग इंडिया नीरज चोपड़ा। जेवलिन का सुपर डे, हंगरी में चक दे। गोल्डन बॉय नीरज का गदर। जेवलिन में फिर पिटा पाकिस्तान। वर्ल्ड चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा। नीरज का भाला आला रे आला। हिंदुस्तान के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का स्कोर किया, जो उन्हें गोल्ड दिलाने के लिए काफी रहा। फाइनल मुकाबले में नीरज ने कुल 6 राउंड स्कोर किया, जिसमें नीरज चोपड़ा का पहला राउंड फाउल रहा, तो वहीं दूसरे राउंड में उन्होंने 88.17 मीटर का स्कोर किया। तीसरे राउंड में नीरज ने 86.32 मीटर डिस्टेंस निकाला। चौथे राउंड में नीरज ने 84.64 मीटर तक भाला फेंका। पांचवें राउंड में उन्होंने 87.73 मीटर और छठे राउंड में 83.98 मीटर का स्कोर किया। नीरज के अलावा जेवलिन के फाइनल में भारत की ओर से किशोर जेना और डीपी मनु भी पहुंचे थे, जो पांचवे और छठे पायदान पर रहे। वहीं अगर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के अब तक के सफर की बात करें, तो साल 2017 में खेली गई एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साल 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड और साल 2018 में ही खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता। वहीं साल 2022 में डायमंड लीग में नीरज ने गोल्ड मेडल ही अपने नाम किया। वहीं पिछले साल खेली गई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने वहां हुई चूक को सुधारते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर इतिहास रच दिया। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। नीरज ने अब तक 7 प्रतियोगिताओं में से 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, जबकि एक बार उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। नीरज के इस जादुई सफर पर भी जी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा। नीरज कांग्रेचुलेशंस। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो रेसिपी क्या है आपकी, जो आप हर टूर्नामेंट में आते हैं एंड आप इतना बेस्ट करते जाते हैं। आज भी आपने कहा आपकी भूख खत्म नहीं हुई है, इतना कंसिस्टेंट और इतना फोकस आप कैसे रह पाते हैं, क्या स्पेशली करते हैं इतना फोकस रहने के लिए? स्पेशली तो कुछ नहीं, मतलब ट्रेनिंग ही होती है सबसे मेन। तो ट्रेनिंग में ही हम जो गोल सेट किए होते हैं उस साल के लिए, उस पे पूरा फोकस रहता है। जब कंपटीशन के अंदर होते हैं तो पूरा 100% उस चीज को फील करते हैं कि हाँ आज का दिन है और आज यही चैंपियनशिप 2 साल बाद मिलेगी, तो आज के दिन कोई कसर नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स में था तो उस दिन भी यही था कि 4 साल बाद ये मौका मिलेगा, तो आज कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो वो चीज खुद एक चीज फील करके उसमें पूरा पुश करते हैं खुद को, और अच्छा लगता है कि जब इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हैं। इंडिया से बहुत ज्यादा लोग आए थे यहाँ पे,
और यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, तो ऐसे कॉम्पिटिशन में और ज्यादा जोश आता है। नीरज की जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। लोग इस ऐतिहासिक जीत पर जश्न में डूबे हुए हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। इस मौके पर नीरज के पिता ने कहा, आज हमारे पूरे देश के लिए खुशी का दिन है, ये पूरे देश की जीत है। बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। चांद हो या खेल का मैदान, हिंदुस्तान एक के बाद एक इतिहास रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान खेल के मैदान पर भारत से एक बार फिर पिट गया। जैवलिन के मैदान पर एक बार फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पटखनी दी, जहां नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर की दूरी हासिल की, जो नीरज से कम रही, जिसके लिए उन्हें सिल्वर मेडल पर ही संतोष करना पड़ा और भारत के खाते में गोल्ड आया। वहीं अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास की बात करें, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1983 में हुई थी। भारतीय एथलीटों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक केवल 2 मेडल जीते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज पेरिस 2003 में विमेंस लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, तो पिछले साल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। साल 2022 तक भारत के पास इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल के बिना कुल 2 मेडल थे। जहां आज नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद अब भारत के पास गोल्ड सहित कुल 3 मेडल हो गए हैं। इस गोल्ड के साथ अब नीरज से देश को साल 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीदें रहेंगी और नीरज से पूरी उम्मीद है कि वो देशवासियों की इस उम्मीद पर भी खरा उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।